भुवनेश्वर के छात्र संघों पर बागी हावी आरयू में निर्दलीय पवन यादव जीते तो उदयपुर कोटा यूनिवर्सिटी में जीती विद्यार्थी परिषद। बीकानेर की गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में एबीपी जीती तो एनएसयूआई ने संगठक कॉलेजों में मारी बाजी। बांसवाड़ा में बच्चों की मौत पर एक्शन में चिकित्सा मंत्री, 3 डॉक्टर्स को किया निलंबित, 5 चिकित्सकों समेत 4 नर्सिंग कर्मियों पर कार्रवाई। मोदी ने बजाया ब्रिक्स में भारत का डंका, विकास और आतंकवाद पर दिए कई सुझाव, पहली बार लिया गया जैश लश्कर का नाम। सिरसा में डेरा से भारी संख्या में हथियार बरामद, मिला राइफलों का जखीरा, पुलिस के फूले हाथ पांव। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर सचिन पायलट के सवाल, कहा राजस्थान से केंद्र में होना चाहिए कैबिनेट मंत्री, प्रदेश की कमजोर पैरवी के लगाए आरोप। नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पर कैंपस के किंग। आज घोषित हो गए छात्र संघ चुनाव 2017 के नतीजों का ऐलान कर दिया गया। इन नतीजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हालांकि हावी दिखी, लेकिन बागियों के बराबर चुनौती उनके सामने पेश की गई। इसके साथ साथ कई जगहों पर एनएसयूआई का कब्जा भी देखने को मिला, तो गंगानगर जैसे इलाके में एसएफआई ने भी अपने हाथ साफ किए। लेकिन इन तमाम कवायद के बीच में सवाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उस वजूद का है जो इस बार थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आया। बागी इस बार क्यों हावी रहे और पूरे राजस्थान की तस्वीर क्या है, सूरत हाल कैसे हैं, दिखाएंगे अगले एक घंटे में आपको इस खास पेशकश के दौरान। आपको हर पल, हर जगह, हर पहलू से कराएंगे रूबरू। तो कैंपस के किंग आज सिकंदर बनकर सामने आए हैं। सबसे पहले बात जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के, प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर पवन यादव, जो कि निर्दलीय हैं, जीत हासिल की। वैसे पवन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बागी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे और अपने नज़दीकी जो मुकाबला था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संजय माचेडी को करारी शिकस्त उनकी तरफ से दी गई। पवन यादव को कुल 5,359 वोट हासिल हुए, जबकि संजय माचेडी जो कि उनसे हारने वाले प्रत्याशी रहे उनको 2,656 वोटों से मात दी गई। तो ये करीब 2,650 वोटों का फासला ये बताता है कि बागी किस तरह से हावी रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई ने जिन चेहरों पर दाव लगाया वो पूरी तरह से छात्र संघ में खारिज कर दी गए। कैंपस के सरकार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय आरयू कैंपस में पूरी तरह से हार चुके हैं। आपको बता दें कि हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए संतुष्टि की बात यह रही कि मनीषा मीणा ने संयुक्त सचिव के पद पर यहाँ पर जीत हासिल की। उनकी एकमात्र जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर जीतने में कामयाब रही, तो महासचिव पद पर एनएसयूआई के मानवेंद्र बुड़ानिया जीत कर सामने आए। वहीं एनएसयूआई की महिमा चौधरी ने भी उपाध्यक्ष पद पर आपको बता दें कि जीत हासिल की। तो कुल 4 पद जो कि प्रमुख रूप से अपेक्स पद कहे जाते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, वहां पर अध्यक्ष पद पर बागी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के निर्दलीय प्रत्याशी पवन यादव ने जीत हासिल की, तो उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर एनएसयूआई को जीत हासिल हुई। जबकि इस पूरे कांटे के मुकाबले में संयुक्त सचिव पद से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को संतोष करना पड़ा। विश्वविद्यालय के काम छात्र की जीत हुई है
राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र यह जानता है कि कौन राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आम छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़ रहा है और वो आम छात्र की जीत हुई है और राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को इसकी बहुत बहुत तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बड़ा अंतर रहा जीत का, 2500 से ज्यादा मतों का अंतर। बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र पढ़ा लिखा छात्र है, वह ना तो कोई संगठन देखता है, वह देखता है कि किस व्यक्ति ने, किस छात्र ने हमारे लिए मुद्दों पर, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो मुद्दे हैं उन पर रहकर काम किया है और एक आम छात्र की जीत हुई है, एक आम छात्र के हितों की जीत हुई है। पवन, आप एबीवीपी से बागी हैं और एबीवीपी के अपने प्रतिनिधि को आपने टक्कर दी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने संगठन से अलग रहकर चुनाव लड़ा है, मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्र थे, वो अपने आप सभी को देखने को मिला है और एक आम छात्र की जीत हुई है, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र की जीत हुई है। अब किस तरह की आपकी प्राथमिकता रहेगी काम करने की, विश्वविद्यालय में से कौन से कुछ मुद्दे हैं जिनको आप करना चाहेंगे? राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए काम किया जाएगा, जिस प्रकार के हमारे छात्र संघ के अंदर मुद्दे थे, जिस मुद्दों को लेकर हमने छात्र संघ चुनाव लड़ा है, उन मुद्दों को हम प्राथमिकता रखेंगे। तो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष पवन यादव अपनी जीत से खासा खुश रहे। इस दौरान फर्स्ट इंडिया ने पवन यादव से तफसील से चर्चा की कि जीत के बाद आखिर वो क्या कुछ करना चाहते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर बागी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। पवन यादव, पवन आप बागी प्रत्याशी थे और यहाँ पर आपने जीत हासिल की है, किस तरह से आप मानते हैं, किसकी भूमिका रही है? राजस्थान विश्वविद्यालय के काम छात्र की जीत हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र यह जानता है कि कौन राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आम छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़ रहा है और वो आम छात्र की जीत हुई है और राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को इसकी बहुत बहुत तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बड़ा अंतर रहा जीत का, 2500 से ज्यादा मतों का अंतर। बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र पढ़ा लिखा छात्र है, वह ना तो कोई संगठन देखता है, वह देखता है कि किस व्यक्ति ने, किस छात्र ने हमारे लिए मुद्दों पर, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो मुद्दे हैं उन पर रहकर काम किया है और एक आम छात्र की जीत हुई है, एक आम छात्र के हितों की जीत हुई है। पवन, आप एबीवीपी से बागी हैं और एबीवीपी के अपने प्रतिनिधि को आपने टक्कर दी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने संगठन से अलग रहकर चुनाव लड़ा है, मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्र थे, वो अपने आप सभी को देखने को मिला है और एक आम छात्र की जीत हुई है, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र की जीत हुई है। अब किस तरह की आपकी प्राथमिकता रहेगी काम करने की, विश्वविद्यालय में से कौन से कुछ मुद्दे हैं जिनको आप करना चाहेंगे? राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए काम किया जाएगा, जिस प्रकार के हमारे छात्र संघ के अंदर मुद्दे थे, जिस मुद्दों को लेकर हमने छात्र संघ चुनाव लड़ा है, उन मुद्दों को हम प्राथमिकता रखेंगे। ये एबीवीपी से बागी प्रत्याशी हैं जो, जिन्होंने जीत हासिल की है, पवन यादव ने जीत हासिल की है जो अब तक की सबसे बड़ी जीत है। 2600 से ज्यादा मतों से पवन यादव जीते हैं। पवन यादव पहले उन्होंने टिकट मांगा था एबीवीपी से अध्यक्ष पद के लिए, बड़े दावेदार थे, लेकिन एबीवीपी संगठन ने उनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद में वो बागी के रूप में वहां पर मैदान में खड़े हुए हैं और उसके बाद जो है उन्होंने बागी के रूप में ही यहां पर बड़ी जीत हासिल की है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुजर के साथ रामस्वरूप, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। इधर जयपुर की ही बात करेंगे। सांबर लेक राजकीय शाकंबरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर सुरेश प्रजापत ने जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर दिलदार मोहम्मद जीत हासिल करने में कामयाब रहे। नतीजे घोषित होने के बाद कॉलेज प्राचार्य ने छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सहयोगी भारत दीक्षित अब हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ रहे हैं। भारत, हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी के नतीजे देखे जहां पर पवन यादव जीत हासिल करके आते हैं, लेकिन दो पद NSUI के खाते में और एक जीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी यहां पर एपेक्स पदों पर मिलती है। तो क्या समीकरण रहे, आखिर किन वजहों से NSUI और जो ABVP है वो अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने से दूर रहे? बताना चाहूँगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की अगर बात की जाए तो अमूमन देखा जाता है कि जाट कार्ड सबसे अहम होता है। इस बार अगर टिकट बंटवारे की बात की जाए तो ABVP ने सबसे पहले जो टिकट है वो गलत प्रत्याशी को यहाँ पर दिया। वही बात की जाए NSUI की तो NSUI ने भी इसी तरह से जो टिकट है उस बंटवारे में गलती की और टिकट मानमेन बुडानिया की जगह यहाँ पर दीपक कुमार मीणा को दिया। आपको बता दूँ कि इस बार जो जीत हासिल की है पवन यादव जीते हैं, वो बागी हैं, वो ABVP से बागी हैं। सबसे पहले बात की जाए पवन यादव की तो पवन यादव ABVP से काफ़ी लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं। वही संजय माचड़ी की बात की जाए तो संजय माचड़ी उनके जूनियर कार्यकर्ता हैं, यानी कि महाराजा कॉलेज से पवन यादव
प्रेसिडेंट रहे तो उसके बाद संजय माचड़ी वहां से प्रेसिडेंट रहे, लेकिन सीनियरिटी की बात की जाए तो सीनियरिटी के हिसाब से एबीपी को टिकट देना था पवन यादव को, लेकिन टिकट मिला संजय माचड़ी को। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात है टिकट बंटवारे में यहाँ पर गलती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई। वही बात की जाए एनएसयूआई की तो एनएसयूआई में इसी तरह की फूट यहाँ पर भारत में रोकना चाहूंगा, पहले इसी पर आना चाहूंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की फूट का जिक्र आप कर रहे हैं, हमने देखा कि पिछली बार के जो प्रत्याशी हैं अखिलेश पारिख वो उनके साथ नजर आए, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं एक राकेश मीणा मेरे ख्याल से उनके साथ थे, वो नजर आ रहे थे हमें तस्वीरों में। तो क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खेमा भी पूरी तरह से पवन यादव के साथ था? देखिए बिल्कुल अश्विनी, इस बात से बिल्कुल ये कतई परहेज नहीं कहा जा सकता कि इस बार जो एबीपी संगठन है उसमें कहीं ना कहीं फूट नजर आई, क्योंकि जो एबीपी के पदाधिकारी हैं, कट्टर पदाधिकारी हैं, बात की जाए राजेश मीणा की तो राजेश मीणा पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं एबीपी से, वो इस बार पवन यादव के साथ थे बागी होकर। अब वही अखिलेश पारिख की बात की जाए तो अखिलेश पारिख ने पिछली बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन वो भी एबीपी का साथ छोड़कर पवन यादव के साथ चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट बंटवारे में यहाँ पर लापरवाही बरती है। जिस प्रत्याशी को टिकट देना था उस प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट नहीं दिया, जिसके चलते नाराजगी यहाँ पर साफ छात्र नेताओं में देखने को मिली, जिसके चलते एबीपी में जो अंदर गुटबाजी हुई है उसके चलते जहाँ तक पवन यादव को फायदा मिला, क्योंकि अखिलेश पारिख की बात की जाए अश्विनी तो अखिलेश पारिख के पास एक बड़ा जनरल वोट बैंक है, और वहीं बात की जाए राजेश मीणा के पास तो राजेश मीणा के पास कहीं ना कहीं मीणा वोट बैंक है, तो अप्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं जो पवन यादव को मिला है। यही वजह रही है कि पवन यादव और संजय माचड़ी के बीच जो हार जीत का जो फासला है आप देख सकते हैं 2656, यानी कि दूर दूर तक संजय माचड़ी लगभग दोगुने अंतर को यहाँ पर हमने देखा है। लेकिन भारत एक सवाल है संगठक कॉलेजों का, कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेज और राजस्थान कॉलेज के साथ साथ महारानी कॉलेज ने इस जीत में, पवन यादव की जीत में कितनी बड़ी भूमिका निभाई? जाहिर है महाराजा कॉलेज से दोनों पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। देखो अश्वरी मैं आपको बता दूं, महारानी कॉलेज की अगर बात करते हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में महारानी कॉलेज अहम माना जाता है, क्योंकि महारानी कॉलेज में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। इस बार की बात की जाए तो महारानी कॉलेज में 6500 वोटर्स थे, जिनमें 3000 वोटिंग हुई। महारानी कॉलेज से जो प्रत्याशी जीती है वो है नेहा यादव, नेहा यादव को सर्वाधिक वोट मिले हैं 999 वोट। तो अश्विनी कहीं ना कहीं नेहा यादव पवन यादव के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुई है, तुरप्पा इक्का साबित हुई है, क्योंकि नेहा यादव को 1000 वोट मिलना पवन यादव के लिए बेनिफिट था, तो कहीं ना कहीं नेहा यादव के जो वोट थे महारानी कॉलेज में वो सीधे के सीधे पवन यादव को पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं महारानी कॉलेज है वो उसने जो पवन यादव की जीत में अहम भूमिका निभाई है। वही महाराजा कॉलेज की बात की जाए तो महाराजा कॉलेज से पवन यादव पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महाराजा कॉलेज में उनकी जो छवि है काफी लंबे समय से एबीपी के कार्यकर्ता हैं और स्वच्छ कार्यकर्ता, पिछली बार भी उन्होंने टिकट की मांग की थी लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों के चलते उनका टिकट कटा, लेकिन उन्होंने इंतजार किया जी। इस बार जब उनका टिकट कटा तो उनको लगा कि शायद संगठन में काम करना बेकार है, इसलिए वो बागी होकर चुनाव लड़े, और कई जो पदाधिकारी हैं एबीपी के वो भी उनके साथ लगे। तो कहीं ना कहीं संगठन के कॉलेजों की अगर हम बात करें अश्वनी तो वो भी पवन यादव के साथ था जी। क्या वजह थी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी थे वो इस बार बागी के साथ आए, न कि संगठन के चुने हुए प्रत्याशी के साथ? देखिए अश्वनी कहीं ना कहीं जो टिकट बंटवारा हुआ इसमें बड़े लेवल पर राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है, क्योंकि संजय माचड़ी की बात हमें करें तो अश्वनी मैं आपको बताना चाहूंगा पिछली बार का जो चुनाव था अंकित धायल का, जो अंकित धायल बागी होकर खड़े थे उस वक्त अखिलेश पारिख एबीपी के से उनके विपक्ष में थे, लेकिन संजय माचड़ी वही व्यक्ति है जो इस बार चुनाव लड़े हैं, वो एबीपी के कैंडिडेट के साथ नहीं लड़ते हुए अंकित धायल के साथ लगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दुश्मनी जो चली आ रही है आपसी अखिलेश पारिख और संजय माचड़ी के बीच में, ये एक लंबे समय से है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते संजय माचड़ी वापस एबीपी में आ गए, और इस बार टिकट जो बंटवारा हुआ उसमें एक बड़े लेवल पर राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ, जिसके चलते संजय माचड़ी को यहाँ पर टिकट मिली है। तो कहीं ना कहीं एबीपी को जो राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उठना पड़ा है, एक मंथन की जरूरत है, क्योंकि लगातार पिछली साल भी वही हुआ, एक बागी ने एबीपी को हराया, इस बार भी एक बागी ने जो भी लेकिन संयुक्त सचिव पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रत्याशी जीत कर आई, तो वो फैक्टर जो ऊपर से चलकर आ रहा था नीचे क्यों असर कारक नहीं रहा? देखिए अश्वनी संयुक्त सचिव की जो जीत है वो खासी इतना अहम मायने रखती, क्योंकि संयुक्त सचिव एक बहुत नीची पोस्ट होती है, हालांकि एबीपी को वो जीत मिली है तो उससे कहीं ना एक संतुष्ट हुई होगी एबीपी। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए जो तीनों सीटों की बात की जाए, अध्यक्ष की सीट उनके हाथ से चली गई, महासचिव की सीट उनके हाथ से चली गई और उपाध्यक्ष की सीट उनके हाथ से चली गई, तो कहीं ना कहीं जो तीन सीट लगातार ऊपर से नीचे गई तो एबीपी से संभल नहीं पाएगी, क्योंकि पिछली बार भी एबीपी के खाते में दो सीट गई थी, अध्यक्ष भी सीट लगातार आ रही, इस बार भी अध्यक्ष सीट लगा रही, तो कहीं ना कहीं
एबीपी को संगठन के अंदर कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है और टिकट बंटवारे में एक शार्पनेस लाने की जरूरत है कि किस प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट दिया जाए, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबी की साख जो बन रही है वो स्टूडेंट्सों के बीच नेगेटिव बन रही है, क्योंकि एबीपी लगातार जो सच्चा ईमानदार जो कार्यकर्ता है उसको कहीं ना कहीं टिकट न देकर दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया है। देखिए जिस बार इस बार की बात की जाए तो संजय माचेड़ी को लोगों ने नकार दिया, उनको मात्र 2603 वोट मिले, और वहीं पवन यादव की बात की जाए तो पवन यादव को 5300 के करीब यहाँ पर वोट मिले, तो कहीं ना कहीं जो जनादेश यहाँ पर। चलिए मैं एनएसयूए की भी बात करना चाहता हूँ। महेंद्र बुढ़ानिया, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, अध्यक्ष पद पर टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उस पद से नीचे रखा गया, उपाध्यक्ष पद पर टिकट मिला, महासचिव पद पर भी एनएसयूआई ने जीत हासिल की, तो क्या वजह रही कि अध्यक्ष हार गए एनएसयूआई के, जो दीपक मीणा को प्रत्याशी बनाया गया था, संयुक्त सचिव पद एनएसयूआई हार गई लेकिन उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर जीत आसान रही? देखिए जैसा हाल एबीपी में देखा वैसा ही हाल एनएसयूआई में देखा, हालांकि ये कह सकते हैं एनएसयूआई की हालत यहाँ पर ज्यादा खराब देखी, क्योंकि मानवेंद्र बुढ़ानिया जिसकी हम बात कर रहे हैं जो महासचिव पर इतने बड़े अंतराल से यहाँ पर जीते हैं वो अध्यक्ष पद की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अंदर जो गुटबाजी जो जाट नेता हैं एनएसयूआई के उनमें बहुत बड़ी गुटबाजी यहाँ पर सामने देखने को मिली, जिसके चलते मानवेंद्र बुढ़ानिया का टिकट यहाँ पर कट गया। आज सरे आम जो मानवेंद्र बुढ़ानिया महासचिव है उन्होंने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कोसा है, अधिकारियों को कोसा है कि उनकी वजह से उनका टिकट यहाँ पर कटा, अगर उनको टिकट मिलता अध्यक्ष पद पर तो निश्चित रूप से एनएसयूआई के लिए वो अध्यक्ष पद की सीट जिता कर लाते। तो अश्वनी मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो जाट वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एक महती भूमिका यहाँ पर निभाता है, अगर एनएसयूआई यहाँ पर जाट कार्ड खेलती, अगर मानवेंद्र बुढ़ानिया को यहाँ पर कितना फर्क रहा महेंद्र बुढ़ानिया और उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी के बीच में? देखिए आपको बता दूं कि मानवेंद्र बुढ़ानिया को यहाँ पर 5000 से अधिक बोले और वोट मिले, वहीं उनके जो नजदीकी कैंडिडेट है वो उनके आसपास भी नहीं दिखे, तो जो जीत का अंतराल है वो खासा यहाँ पर लंबा रहा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मानवेंद्र बुढ़ानिया की जीत थी वो चुनाव से पहली पक्की हो गई थी जब एनएसयूआई ने उनकी सीट पक्की की थी, हालांकि वो इतना ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे इस जीत से क्योंकि वो डिजर्व करते थे अध्यक्ष पद की जीत के लिए, लेकिन एनएसयूआई जो संगठन के अंदर जो भीतर घात जो गुटबाजी चली, बात की जाए मुकेश भाकर की, बात की जाए मनीष यादव की, बात की जाए सतबीर चौधरी की, बात की जाए तो इन्होंने अपनों का ही साथ नहीं दिया, कई ऐसे एनएसयूआई के पदाधिकारी थे जिन्होंने बागी प्रत्याशी पवन यादव का यहाँ पर साथ दिया है, जो एनएसयूआई के जो जाट वोट बैंक है वो सीधा के सीधा पवन यादव के फेवर में गए, अगर वो वोट अगर दीपक मीणा को जाते तो कहीं ना कहीं दीपक मीणा इसमें अध्यक्ष पद की दौड़ में होते। दीपक मीणा की बात की जाए तो दीपक मीणा को 2500 वोट मिले हैं, मीणा जो वोट बैंक है वो दीपक मीणा को निश्चित रूप से यहाँ पर गया, लेकिन अश्वनी बात करें जाट वोट बैंक की तो जाट वोट बैंक दीपक मीणा को यहाँ पर कतई नहीं गया, जिसके पीछे सिर्फ कारण है एनएसयूआई में आपसी गुटबाजी और फूटबाजी। अश्वनी आप खुलकर इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि आरयू छात्र संघ चुनाव में जातिगत जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से हावी रहा, जातियां हावी रही, क्या इस बारे में कहीं दोनों दलों का कुछ कहना है, क्योंकि दोनों कहते हैं कि वो जातियों से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं? देखिए अश्वनी हर बार ये होता है कि दोनों ही संगठन ये कहते हैं कि जातिगत रूप से हमने टिकट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी अगर बात की जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो वैसे वैसे जाति फैक्टर है वो काम कर जाते हैं। आपको बता दें देखिए जैसे पवन यादव का जो जीत का फैक्टर है वो समीकरण हम आपको बताना चाहेंगे, महारानी कॉलेज की बात की जाए नेहा यादव 999 वोट उनको हासिल हुए हैं, 103 वोटों से वो जीती हैं, उधर बागी जो प्रत्याशी है पवन यादव, तो जो यादव जो वोट बैंक है और नेहा यादव की जो छवि है तो कहीं ना कहीं उसका पूरा जो समर्थन है नेहा यादव को वो पवन यादव को मिला है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से 5600 जो वोट मिले हैं पवन यादव को उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं दीपक मीणा को 2500 वोट मिले, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जाट वोट बैंक है वो सीधा तौर पर पवन यादव को यहाँ पर। चलिए जातिगत समीकरण आरयू से जुड़ा हुआ तो हमारे सामने कमोबेश निकल कर आ रहा है, लेकिन राजस्थान के बाकी विश्वविद्यालयों के क्या सूरत हाल है? भारत लौटूंगा मैं आपके पास में, फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापसी करेंगे, बाकी 6 संभागों के क्या हालात हैं जानेंगे।
सिकंदर।